आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रस्तुति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्नान नित्य क्रिया में आता है और बिना स्नान के कोई भी मनुष्य साफ सुथरा या फिर शुद्ध नहीं माना जाता है। ऐसे में आप हर रोज सुबह स्नान करते हैं तो आपको शरीर में दुख बीमारी कभी नहीं आएगा। ऐसे में ईश्वर पूजा व अन्य कार्यों से पहले स्नान करना जरूरी माना गया है। शास्त्रों में स्नान को लेकर कई बातें बताई गई हैं, वही पद्म पुराण और गरुड़ पुराण निर्वस्त्र स्नान को निषेध बताया गया है। ऐसा क्यों कहा गया है और इसके पीछे का कारण क्या है? आप भगवान श्री कृष्णा के भक्त हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय श्री कृष्णा। आइए जान लेते हैं नहाने का कुछ नियम, कब और कितने बजे नहाना चाहिए। इसके बाद हम बताएंगे कि निर्वस्त्र होकर क्यों नहीं नहाना चाहिए। नहाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है क्योंकि नहाने से हम स्वस्थ रहते हैं और इसके कारण हम बीमारियों से दूर रहते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में नहाने के कुछ नियम बताए गए हैं। स्त्री हमारे घर की लक्ष्मी मानी जाती है, इसलिए स्त्रियों के नहाने के बारे में भी हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में कुछ नियम और नहाने का सही समय बताया गया है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार स्त्रियों को हमेशा सुबह के समय 4 से 5 बजे के बीच नहाना चाहिए। स्त्रियों के नहाने का यह बहुत ही अति उत्तम समय माना जाता है। सुबह के 4 से 5 बजे का समय मुनि स्नान का समय कहा जाता है, इसीलिए 4 से 5 बजे के बीच नहाना बहुत ही उत्तम माना गया है। अगर स्त्रियां इस मुनि समय में स्नान करती हैं, तो इससे हमें काफी सारे लाभ मिलते हैं क्योंकि मुनि स्नान को सबसे सर्वोत्तम स्नान कहा जाता है। अगर कोई स्त्री मुनि स्नान करती है यानी कि सुबह के 4 से 5 बजे के बीच नहाती है, तो इससे घर में सुख सुविधा बनी रहती है। इसके अलावा बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए स्त्रियों के लिए मुनि स्नान करना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा स्त्रियां सुबह 5 से 6 बजे के बीच में भी नहा सकती हैं। सुबह का 5 से 6 बजे का समय देव स्नान का समय कहलाता है। इस देव स्नान को भी उत्तम स्नान माना जाता है। अगर स्त्रियां देव स्नान के समय नहाती हैं, तो इससे घर में वैभव और यश की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हमें धन और शांति की भी प्राप्ति होती है। अगर स्त्रियां चाहे तो 6 से 7 बजे के बीच भी नहा सकती हैं। इस समय को मानव स्नान कहा जाता है। अगर आप इस समय स्नान करते हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति होती है, साथ साथ आपके परिवार में शांति बनी रहती है। इस प्रकार से स्त्रियां 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच कभी भी नहा सकती हैं। स्त्रियों के नहाने के लिए यह समय शुभ माना जाता है। सुबह के 7 बजे के बाद घर की स्त्रियों को नहीं नहाना चाहिए। अगर स्त्रियां 7 बजे के बाद नहाती हैं, तो इसे राक्षसी स्नान माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता, धन हानि, कलह आदि उत्पन्न होते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार नहाने के लिए उत्तर दिशा सबसे अच्छी और शुभ मानी जाती है। अगर आप उत्तर दिशा में नहाते हैं तो आपका स्वास्थ्य हमेशा के लिए अच्छा बना रहता है, साथ साथ आपको हमेशा के लिए धन की प्राप्ति होती रहती है। आपके घर में कभी भी कलह नहीं होता और परिवार में शांति बनी रहती है, इसलिए रोजाना उत्तर दिशा में ही नहाना चाहिए। शाम को क्यों नहीं नहाना चाहिए? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शाम को नहाना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शाम के समय नहाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और इससे आपको धन हानि होने लगती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि शाम के समय नहाने से हमारे शरीर में शीत का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसका सीधा असर हमारे शरीर पर होता है, इसलिए शाम के समय नहाना वर्जित माना जाता है। नहाने के बाद क्या नहीं करना चाहिए? नहाने के बाद आपको कभी भी पूजा की थाली को साफ नहीं करना चाहिए। अगर आप नहाने के बाद भगवान की पूजा करते हैं तो पूजा की थाली को नहाने से पहले ही साफ कर ले। नहाने के बाद अगर आप अशुद्ध पूजा की थाली को छूते हैं, इससे आप भी अशुद्ध हो जाते हैं, इसलिए नहाने के बाद कभी भी पूजा की थाली को साफ नहीं करना चाहिए। पूजा की थाली नहाने से पहले ही साफ कर ले। महिला हो या पुरुष, क्यों है निर्वस्त्र नहाना मना? मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में बहुत सी ऐसी बातें दर्ज हैं जो व्यक्ति के जीवन में बेहद उपयोगी मानी जाती हैं। इस हिंदू धर्म ग्रंथों को एक बार अवश्य ही पढ़ना चाहिए और साथ ही वे जीवन को सफल बना सके। इनमें से पद्म पुराण की एक घटना के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्यों को निर्वस्त्र होकर क्यों स्नान नहीं करना चाहिए। विस्तार पूर्वक से जाने सुनिए भगवान श्री कृष्ण का लीला। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ऐसे ही ज्ञान की बात जानने के लिए। पद्म पुराण के अनुसार एक बार गोपियां नदी में स्नान कर रही थी, तब श्री कृष्ण ने उनके वस्त्र चुपचाप से चुरा लिए और उन्हें पेड़ पर टांग दिया।
जब गोपियों को इस बात का पता चला तो वे श्री कृष्ण से अपने वस्त्र लौटाने के लिए प्रार्थना करने लगी। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें जल से बाहर आकर वस्त्रों को लेने की बात कही थी कि आपका वस्त्र पेड़ पर है, आकर ले जाइए। इस पर गोपियों ने बताया कि वे निर्वस्त्र अवस्था में हैं और वे ऐसे जल से बाहर नहीं आ सकते। तब प्रभु ने पूछा कि अगर उन्हें इसका भय था तो वे निर्वस्त्र होकर नदी में स्नान के लिए क्यों गईं? इस पर गोपियों ने कहा, जब वह जल में प्रवेश कर रही थी तब वहां कोई उपस्थित नहीं था। इस पर कृष्ण ने उत्तर दिया, कहां ऐसा तुम्हें लगा कि इस स्थान पर तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है, किंतु मैं तो हर पल हर स्थान में मौजूद हूँ। इसके अलावा आसमान में उड़ रहे पक्षियों ने, जमीन पर चल रहे कीड़े मकोड़ों ने भी तुम्हें देखा। यही नहीं बल्कि पानी के जीवों ने और जल के देवता वरुण ने भी स्वयं तुम्हें नग्न अवस्था में देखा है। भगवान श्री कृष्ण ने बोला, यह उनका अपमान है, इसलिए तुम सब गोपियाँ पाप की भागीदार हो। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि स्नान करते वक्त नग्नावस्था में भी हमें कोई न कोई देखा जरूर है, ऐसे में निर्वस्त्र स्नान से परहेज करना चाहिए। मित्रों, इस बात का जिक्र गरुण पुराण में भी है। गरुण पुराण के अनुसार हमारे आसपास हमेशा हमारे पूर्वज रहते हैं, हर वक्त हम लोगों को देखते रहते हैं। यहाँ तक कि जब हम निर्वस्त्र स्नान कर रहे होते हैं तो भी हमारे आसपास वो मौजूद होते हैं और शरीर से गिरने वाले जल को वो ग्रहण करते हैं। इसी जल से उनकी तृप्ति होती है। जब हम निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो वो अतृप्त रह जाते हैं। ऐसा होने से व्यक्ति का तेज, बल, शौर्य, धन, सुख और क्षमता का नाश होता है। आप यह सोचना कि बंद कमरे में आप निर्वस्त्र होकर स्नान कर रहे हैं और आपको कोई देख नहीं रहा है तो आप गलत सोच रहे हैं। वहाँ मौजूद सूक्ष्म जीव और भगवान आपको देख रहे हैं और आपकी नग्नता आपको पाप का भागी बना रही है। यही वजह है कि व्यक्ति को कभी भी निर्वस्त्र अवस्था में स्नान करने से परहेज रखना चाहिए और हमें निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो सकती है। इसलिए हमेशा आपको यही सलाह दी जाती है कि भले ही आप नहाते समय कोई एक कपड़ा धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान न करें तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से शरीर की नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ मन मस्तिष्क में भी होता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उससे रूठ सकती हैं। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है।